सीरियसली बहुत बड़ा सरप्राइज है, आप लोग आंखें खोल के देखते ही रह जाएंगे कि क्या लेके आई है शिवानी, क्या उठा के लाएगी, आप ये सोचेंगे बस, मतलब आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी, मतलब कहते हैं ना, मतलब शॉक में चले जाएंगे आप। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है सैटरडे और राजा जो है वो लाइट लेने गए हैं, और ये जो काम करने वाले हैं ये आगे, आज फॉल सीलिंग के काम का लास्ट डे है, आज पूरा जो काम है फॉल सीलिंग का वो ख़त्म हो जाएगा, कल से पेंटर की बारी है। तो राजा लाइट लेने गए हैं, क्योंकि फॉल सीलिंग का काम हो जाएगा तो लाइट का काम रहेगा, तो राजा लाइट लेने गए हैं। फॉल सीलिंग वाले थोड़ा सा चिल मारने गए, चिल मारने वो थोड़ा सा जाते हैं इस टाइम पर, नाश्ता वाश्ता करने गए होंगे वो, उनका टिफिन विफिन का टाइम है, तो हमें ये एरिया फिलहाल मिलता है फ्री। और ये देखिए, ये विंडो ओपन है, और अब ये जो है टीवी का काम हो रहा है, यहाँ पे इन्हें काट के रखा हुआ है, यहाँ से कटिंग होगी, और अभी बोर्ड कट रहे हैं यहाँ के, ये हो रहा है, बहुत फैलावट है आप देखिए। तो चलिए मैं बनाती हूँ एक कप गर्मा गर्म चाय, और फिर हम लोग करते हैं शुरू काम। मैं थोड़े बहुत कपड़े डालूंगी, मेरे पास कोई कपड़ा नहीं है पहनने के लिए, क्योंकि मेरी अलमारी ब्लॉक है, जो बाहर पड़े हुए हैं धुले पड़े हैं वही मैं पहन रही हूँ, मेरे पास बिल्कुल कपड़े नहीं है डेली यूज में पहनने के लिए, क्योंकि मेरी अलमारी लॉक है। आज मैं बनी पेंटर, मैंने ना ये राजा शांत नहीं होते कभी भी, आराम से ये बात कर रहे हैं। तो क्या है, वहाँ पे गूगल ने पूरे पैर के निशान कर दिए थे, मेरी पूरी दीवार ख़राब कर दी थी, तो मैंने उसमें वाइट पेंट रखा हुआ था इस रूम पीछे वाले रूम का, तो वो वाला जो पेंट है वो कर दिया है। तो यहाँ का जो काम है ये वाला, ये भी पूरा कम्प्लीट नहीं हुआ है अभी तक, मैं आपको दिखाती हूँ कितना हुआ है, मैं आपको डेली अपडेट दे रही हूँ। तो ये जो है टीवी कैबिनेट है, और ये बन गई है, यहाँ पे लाइट्स आएंगी जो आपको वायर दिख रही है, बहुत ही प्यारी बनने वाली है। ये लगा हुआ है हमारे टीवी का, जो हटाया है, आप देखिए क्या हाल हो रहा है इसका, और यहाँ पे लाइट्स आएंगी, और ये छोटी छोटी सी रैक्स बनी है, तो यहाँ पे हम लोग सजा सकते हैं गमले, वो कुछ शो पीस वगैरह ला के, है ना राजा, इन सर्कल्स पे है ना, कुछ कुछ लाएंगे और सजाएंगे, और यहाँ पे सेटअप बॉक्स आ जाएगा, और ये देखिए कई फिनिशिंग का काम बचा हुआ है यहाँ की, ये जो फॉल सीलिंग है इसके जो राफ्टर है वो बन गए हैं, आपको जो यहाँ पे दिख रहे होंगे साइड साइड में, तो वो हो गए हैं, यहाँ पे भी एक सर्कल बना है, तो काफ़ी डिटेलिंग हुई है इसमें, एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा दिक्कत वाला काम था, एक्चुअली मैं यहाँ पे कबर्ड है ना, तो प्लेन नहीं था यहाँ से, पीछे से पीछे वाले रूम में हमने ऊपर तक कबर्ड करवाई नहीं थी, यहाँ पे हमने पूरा कवर करा दिया था, तो यहाँ पे कबर्ड थी, तो ये कबर्ड को कटवाना है तभी ये खुलेंगी, कबर्ड अभी परमानेंटली बंद हो गई है ऊपर वाली, तो ये बंद पड़ी है, और बस इतना काम हुआ है, तो इतना काम था वो आज हुआ है, परसों से आएंगे पेंटर, कल इनका आखिरी का काम बचा है,
अब पता नहीं संडे आते या नहीं आते, ये नहीं पता मुझे। और घर की हालत देखिए, तूने मेरा पेंट देखा? तो ये देखिए कितना क्लीन हो गया अब यहाँ पे। तो यहाँ की जो वॉल थी उसने ख़राब करके रखी थी। और यहाँ पे ये देखिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा गंदा हो रहा है क्योंकि मैंने पेंट किया था। और उसके बाद फिर ये लोग जा ही रहे तो कोई मतलब नहीं है मैं यहाँ पर कुछ भी करूँ। मैंने झाड़ू निकाल दी थी बस। तो मेरे करी पत्ते का पेड़ है ये, और ये है मेरी तुलसी जी का पेड़। कहाँ गया देखिए यार। तो इतना काम मैंने कर लिया फिलहाल, सब कुछ फैला हुआ है, कुछ नहीं कर सकते। कपड़े अपने सारे अभी एक सोफे पे रख रही हूँ क्योंकि अलमारी ब्लॉक है, वहाँ की मेरे पास जगह नहीं है एक सामान रखने के लिए कुछ भी। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं जा रही हूँ एक शाल लेने, उसके बाद मैं हो रही हूँ तैयार। एक्चुअली मैं हमें मंदिर जाना है तो मैं आ गई। मैंने नायका से सामान मंगवाया था और ज़्यादा कुछ नहीं मंगवाया, मेरे पास ऑलरेडी बहुत कुछ है तो मुझे लगा ज़्यादा नहीं कुछ मंगवाना चाहिए। तो मैंने एक सिंगल हाइलाइटर मंगवाया इस बार ट्राई करने के लिए। मैं बॉडी बिल्डर हूँ हाँ। तो मैंने एक एडिटिंग का काजल मंगवाया, मेरे को देखना था कि कैसा होगा ये। ये है, तो मैंने तीन सामान मंगवाए हैं। एक ही ये कलर शो की पार्टी गर्ल मेबलिन की लिपस्टिक, और सॉरी लिपस्टिक नहीं, नेल पेंट 114 शेड। मैं अभी लगाऊंगी इसे, देखिए मेरे हाथों की हालत। ये एलिटीन का एक लाइनर, एक काजल। एक्चुअली मैं पता नहीं मेरे को वो भी स्मच हो रहा है मेरे उससे, क्या बोलते हो उसे, क्या बोलते हो उसे, हाँ लैक्मे का ओरिजिनल भी मेरी आईज पे टिक नहीं रहा है। तो मुझे एट लास्ट आई थिंक अगर ये ट्राई करती हूँ, और उसके बाद फिर मुझे प्लम का ही मंगवाना पड़ेगा। और मैंने ये हाइलाइटर मंगवाया है शुगर का, शुगर कॉस्मेटिक रॉयल रोज हाइलाइटर शेड है। ये देखिए थोड़ी बहुत शाइन। अब मैं वह मेकअप अप्लाई करती हूँ, उसके बाद देखती हूँ कुछ टक्कर की है या नहीं। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, मैंने बीबी क्रीम जो है वो लगाई है पॉन्ड्स की, और फटाफट मैं कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ क्योंकि मंदिर ही जाना है। कहाँ जाना है, मंदिर जाना है, थोड़ी दुर्गा जी देख लेंगे हम लोग। ज़्यादा तैयार होने की ज़रूरत नहीं है। ब्लश ये शेड बहुत अच्छी है, ज़्यादा डार्क नहीं है। क्या हुआ, किससे बात कर रहे थे? धनसिंह से। कौन है धनसिंह? मेरा फोन है। चार्जिंग तो देख रहा हूँ आपका कितना हुआ है, मेकअप में लाना क्योंकि कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। अरे यार वो कौन सा है चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग वाला ये नहीं है ना? ये तो मेरा चार्जर है। फास्ट चार्जिंग वाला चाहिए मेरे को इसके लिए। तो अब हम इसे अप्लाई करके देखते हैं क्या अच्छा है ये पूरा। गुड नेचुरल हाइलाइटर, पता मुझे नेचुरल हाइलाइटर पसंद है। कुछ गोल्डन गोल्डन में आते हैं ना, मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे लगता है वो शैम्पेन जो रहता है, जैसे एक शुगर का ही आता है, शुगर की है नहीं, शुगर की नहीं, उसका आता है शेड नंबर 02। कौन सी कंपनी है यार, लेकिन कंपनी याद नहीं आ रही मुझे, कंपनी याद नहीं आ रही। मैं तो हो गया हूँ तैयार, मेरे को सिर्फ जीन्स पहननी है। तुम पूरा बाहर से आ रहे हो, ऑफिस से आ रहे हैं? इन्हें पूरा काम मैं करती हूँ जाके, चढ़ चढ़ के सारा काम। कहाँ, किसके ऊपर चढ़ चढ़ के? हाँ चढ़ चढ़ के काम करती हूँ, किसके ऊपर चढ़? पूरा काम मेरे ऊपर डाल दिया इन्हें, पूरा मैंने पीओपी तैयार करी है। ठंडा ठंडा को। अच्छा विच कलर, कौन सी लिपस्टिक लगाऊं? ब्लैक। पक्का? भगवान से, भगवान से। आ पहले लिपस्टिक अप्लाई हुई थी। हाँ क्या करना था मुझे, रल नहीं कुछ कुछ ही होती है। देखिए मंदिर जाने के लिए थोड़ा मेकअप करना चाहिए, मेरा थोड़ा ही यार मुझे लग रहा है मैंने बहुत सारा कर लिया।
माय न्यू हेयर स्टाइल, मेरा नया हेयर स्टाइल। ऐसा लग रहा है कोई मेकअप करके कंघी करना भूल गया है, पर मुझे मेरी कंघी भी नहीं मिली। पता मेरे को मेरे घर में कोई भी सामान नहीं मिल रहा है। ये बेचारे का हैंडल कहाँ है, ये टूट गई है। अच्छा हाँ सर, थोड़ा तो अप्रिशिएट किया तुमने मुझे आज पहली बार जिंदगी में। तो देखिए हम तो हो गए हैं तैयार, अब बन गए हैं भाभी जी बिना साड़ी के। बिना साड़ी के नहीं, चुन्नी उल्टी है। बिना साड़ी के नहीं मतलब किसके, हाँ बिना साड़ी के, सूट के साथ। तो सूट वाली भाभी जी है, क्योंकि हमें घूमने जाना है तो हम अनकम्फर्टेबल नहीं होना चाहते हैं। तो चलिए बस निकलते हैं, मेरी चुन्नी फंस भी रही है। हाँ तो निकला जाए। कौन कौन हमारे साथ चलना चाहता है मंदिर, कोई मंदिर चलना चाहता है तो बताइए। त्रिपुर सुंदरी माता जा रहे हैं हम लोग मंदिर, और घूमी फिरी करके आएंगे। मैं सोच रही हूँ एक वॉच पहन लूँ, भाभी जी वॉच में शोभा देंगी। भाभी जी की भी वॉच होनी चाहिए, भाभी मॉडर्न भाभी जी है, भाभी जी वॉच पहन के जाएगी आज। कितना टाइम हुआ है हमें, कितने बजे निकलना है, वापस आना है, क्या होता है वरना मोबाइल ही देखते रह जाते हैं हम। ये तो बंद ही नहीं हो रहा है। हाँ भाभी जी ने वॉच पहन ली है, वॉच लूज है। भाभी जी के हाथ बड़े पतले हैं, सही में मेरे हाथ बहुत पतले हैं, मेरे को बिंदी भी नहीं मिल रही है मेरी, इसलिए मुझे ब्लैक बिंदी लगानी पड़ी आज। लेट्स गो, मेरे पति नहीं आ रहे हैं, मैं अकेले जा रही हूँ। चलो भाभी जी अकेले जा रही है, नया भाभा जी लेके आएगी। हाँ नए लड्डू के भैया लेने जा रही भाभी जी। डोंट माइंड सब फैला हुआ, भाभी जी नया वो लड्डू के भैया लेने जा रही है। देख लो आ जाओ, वरना देख लेना क्या होगा, नया लड्डू के भैया आ जाएगा। राजा डर रहे हैं, नए लड्डू के भैया को राजा करेंगे, कटिंग पीसिंग एंड कटिंग पीसिंग। कैसे स्टाइल तो मार के दिखाओ, कैसे करोगे कटिंग पीसिंग? क्यों नए लड्डू के भैया नहीं ला सकती मैं? क्या कंटिन्यू, क्या बोलने वाले थे? Nothing. बताओ आपके ऊपर पूरा, आप बोलिए आप क्या बोलना चाहते थे? Nothing. ये देखिए कुछ कर रहे हैं, तुम्हारे चेहरे में काला तिल है। वो हमारा वो है क्या, ब्यूटी स्पॉट? दे दो, गरीब हूँ मैं, गरीब हूँ मैं, गरीब हूँ मैं, दे दो। मैं तो खुद मांग के लाया किसी से। राजा से उम्मीद नहीं है मुझे, ये मैं राजा को कभी भी नहीं देखा किसी से मांगते हुए। राजा का नाम राजा है इसलिए राजा, राजा कभी नहीं, राजा इज गुड, राजा कभी उधार नहीं मांगते कुछ। मैं हालांकि मैं दे देती हूँ राजा को उधार, पर ऐसे मांगते नहीं, पर मैं दे देती हूँ उन्हें, मन से दे देती हूँ, श्रद्धा से दे देती हूँ मैं राजा को। श्रद्धा कौन? श्रद्धा कपूर। चल चली अपने घर है मेरे हम सफर, बंद दरवाजे कर सबसे हो बेखबर। चलना है तो बता दो, मैं लेट हो रही हूँ, चल ही नहीं रहे हैं यार, ये बड़े बदतमीज हो रहे हैं, मेरा ब्लॉग लेट हो जाएगा। तो हम लोग आ गए हैं त्रिपुर सुंदरी माता जी के मंदिर, और ये जो है ना ये एक दूर है सिटी से, तो बहुत अंधेरा था रोड पे, बहुत अंधेरा, तो बस पहुंच गए हम लोग। बहुत हर साल हम लोग आते हैं यहाँ पे नवरात्रि में, रात को आते हैं, एक्चुअली में दिन में बहुत भीड़ रहती है, और दिन में क्या आजकल टाइम ही नहीं मिल पाता है, और अभी तो आप देख ही रहे हैं कि निकल ही नहीं पा रहा है टाइम। जय 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 जय।
पंडित जी से पूछो ना। थोड़ा सा लेट हो गए हैं, अभी बोल रहे हैं फिर से 10-15 मिनट बाद खुलेंगे। बट तो हम लोग वहाँ पे हो जाए। हाँ हाँ चलें, तो वहीं खड़े हो जाए। कहाँ? वहाँ पे गेट के। वहाँ गेट का ये वो है, यहाँ से आएंगे ना ऐसे। बंद कर दिया हम लोग, ये बंद हो गया। नहीं आएगा कोई? दरवाजे बंद कर दिए। वहाँ से होगी ना एंट्रेंस? नहीं, कोई एंट्री नहीं है। तो तुम्हारे हमारे जूते Yeah.
जस्ट अभी आए हैं और आप देख सकते हैं कपड़ों से हम थोड़ी दुर्गा जी भी देखने चले गए थे, अभी भी बहुत सारी बची हैं तो हम देखते हैं कल वल निकलते हैं। तो कैसी लगी राजा, मज़े आई? मज़े आई, तो मंदिर के दर्शन भी हो गए। और अरे मेरा वो भी लाइफ बॉय भी कल वाला वहाँ पे है कार में, और वो भी क्या बोलते हैं माता का प्रसाद भी है। घर तो देख के मेरे को बहुत आश्चर्य हो रहा है कि मेरे घर की हालत कैसी हो गई है। लग रहा है कि बेड मिल जाए, बिग बॉस देखें, बुजुर्ग खाना खिलाएं और सो जाएं। हाँ, नजबरी तुम्हारे कौन देखेंगे? अरे हाँ, मैं कुछ भी लेके आई, मैं कुछ लेके भी आई, मैं आपको दिखाती हूँ। एक सेकेंड दिखाओ, ये दिखाओ। हाँ अच्छा ठीक है, तो ये बोल रहे नहीं दिखाओ, सरप्राइज रहें तो। तो आप लोगों के लिए सरप्राइज, जब रूम बन जाएगा तो मैं दिखाऊंगी। ऐसा कुछ हुआ नहीं है, पर सरप्राइज है, बहुत बड़ा सरप्राइज है। सीरियसली बहुत बड़ा सरप्राइज है, आप लोग आंखें खोल के देखते ही रह जाएंगे कि क्या लेके आई है शिवानी, क्या उठा के लाई है, आप ये सोचेंगे बस। मतलब आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी, मतलब कहते हैं ना, मतलब शॉक में चले जाएंगे आप। तो ये दिन याद रखिएगा जो आप ये व्लॉग देख रहे हैं, कुछ भी तो आप लोग शॉक में जाएंगे, सोचेंगे ये सरप्राइज था। मेरी ना जीभ ना येलो कलर की हो रही है। क्यों? देखो पोहा तो मैं खा के आया हूँ, अपना पोहा नहीं, मैंने पॉपकॉर्न खाया था, उसमें हल्दी थी। अच्छा, पता नहीं क्यों, पर पॉपकॉर्न में कलर क्यों था? हल्दी वाले पॉपकॉर्न कौन बनाता है? तो अब मैं जा रही हूँ चेंज करने, मैं आप लोगों से सुबह मिलती हूँ, सुबह थोड़ा बहुत ब्लॉग करेंगे और फिर इस ब्लॉग को एंड करेंगे, क्योंकि सुबह थोड़ा बहुत तो काम है। मैं आपको दिखाऊंगी कैसा काम रहता है, मतलब असली काम मैं आपको सुबह दिखाऊंगी। जब आप घर की हालत देखेंगे ना, आप तब भी शॉक हो जाएंगे। मतलब सिर्फ इस ब्लॉग में आपको शॉक होना है, मतलब सब लोग अपनी आंखें ऐसी बड़ी बड़ी कर लीजिए, मेरी आंखें तो होती ही नहीं है वैसे। अब सब लोग अपनी आंखें बड़ी कर लीजिए शॉक के लिए। और क्या शॉक देने वाली? मैं अभी लगाऊंगी ये मेबलिन। क्या शॉक देने वाली? अरे सुबह का काम दिखाऊंगी कैसे फैला रहता है सब कुछ। मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, थोड़ी देर नहीं, सुबह मिलती हूँ।